बिग बॉस ओटीटी की विजेता दिव्या अग्रवाल, दिव्या ने किस तरीके से अपने भाई को की तरफ जो है दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया है, प्लस कहीं ना कहीं वो जो सारे गिले शिकवे थे जो कि घर के अंदर प्रस्तुत हुए थे, हमने देखे थे, उन सबको भूल कर दिव्या अग्रवाल ने फाइनली प्रतीक सहजपाल को एक बड़ी बात बोली है। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से मौजूद हूं, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें, BHOJ ओके भोज। अब दिव्या अग्रवाल ने यहां पर दोस्तों एक बड़ी बात बोली है। आप लोगों को बता दूं तो दिव्या ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, जहां पर उन्होंने प्रतीक सहजपाल को बोला है ऑल द वेरी बेस्ट ब्रो, इस बार जीत के आना और इस बार तो तेरा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिव्या ने कहीं ना कहीं चुटकी भी ली है, बहुत शैतान है दिव्या, दिव्या ने चुटकी भी ली है प्रतीक की और साथ ही साथ दिव्या ने इस तरीके से ऑल द वेरी बेस्ट भी कहा है। अब प्रतीक का इस पे क्या रिएक्शन होगा ये जानना मजेदार रहेगा। वैसे आपको बता दूं तो बिग बॉस के घर में ओए होए दिव्या और प्रतीक जो लड़े हैं, जो भिड़े हैं, लिटरली मजा आ गया, देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला वो भी अच्छा था, प्रतीक ने तो डे वन से ही दिव्या पर अटैक करना शुरू कर दिया था और दिव्या ने फिर बाद बाद में भी जो है अपना गेम पलटा खेला, वो बहुत सारी चीजें हुई। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके फटाफट बताइए दिव्या की इस शैतानी को आप किस तरीके से देखते हैं, सारी बातें बताइए मुझे। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज और मुझे इजाजत दीजिए। वैसे दिव्या नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ये टेक्स्ट से तो लग ही गया है कि दिव्या नहीं आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रतीक सहजपाल का कन्फर्म है, उमर रियाज का कन्फर्म है और डोनाल्ड बिस्ट का कन्फर्म है और कौन कंफर्म है, शमिता शेट्टी कंफर्म है, निशांत भट्ट कंफर्म है, तो अब मजा आएगा क्या होगा। सो फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ, बाय बाय।